केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। 32 साल के जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने वाले सबसे युवा शख्स हैं। शाह को एसीसी के एजीएम में वर्चुअल तरीके से नया अध्यक्ष चुना गया है। जय शाह अब एसीसी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन की जगह लेंगे। एसीसी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद जय शाह ने एजीएम को संबोधित करते हुए कहा, मैं इस सम्मान को स्वीकार करता हूं और बीसीसीआई में मेरे सम्मानित सहयोगियों को मुझे नामित करने और इस प्रतिष्ठित पद के योग्य मानने के लिए धन्यवाद देता हूं। एशिया में क्रिकेट को व्यवस्थित करने, विकसित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित एसीसी तेजी से काम कर रहा है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि एशिया में क्रिकेट का चहुंमुखी विकास हो। जय शाह के एसीसी अध्यक्ष बनने पर सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना ने जहां जय शाह को बधाई दी हो, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए इसे बीजेपी स्टाइल की योग्यता करार दिया है, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे नेपोटिज्म बताया है। जय शाह दिसंबर 2019 में बीसीसीआई के सचिव चुने गए थे और उससे पहले 2013 में उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। जय शाह के एसीसी अध्यक्ष चुने जाने पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने बधाई देते हुए कहा है कि एसीसी अध्यक्ष बनने पर जय शाह को बधाई, हमने साथ काम किया है और मैं क्रिकेट को विकसित करने के उनकी योजनाओं और दूरदृष्टि से अच्छी तरह अवगत हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से उस उत्साह का अनुभव किया है जिसमें उन्होंने चंडीगढ़, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को विकसित किया है जो कि शानदार है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी। एसीसी का मकसद एशिया में क्रिकेट के खेल को विकसित करना है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट एसीसी की तरफ से ही आयोजित किया जाता है। एसीसी आईसीसी से मान्यता प्राप्त संस्था है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान समेत इसके 25 सदस्य हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।